हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ऑयल पंप है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का, वो कैसे चेंज करते हैं। सो ये जो बुलेट क्लासिक 350 आप देख सकते हैं, ये BS3 बुलेट है। सो अभी इसमें हम ऑयल पंप जो है वो चेंज करेंगे। सो अभी सबसे पहले तो इसका मैग्नेट निकाला जा रहा है, साइड का कवर ऑलरेडी निकाल दिया गया है। मैग्नेट निकालने के बाद जो आप छोटे व्हील्स देख सकते हैं वो निकाले जाएंगे। अभी ऑयल पंप के साथ एक चीज़ चेंज करना बहुत मैंडेटरी है, वो है ऑयल पंप के ऊपर एक व्हील लगता है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। वो भी रिप्लेस करना ज़रूरी है जब भी नया ऑयल पंप बिठाते हैं। तो अभी ऑयल पंप अगर फॉल्टी होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगा ऑयल पंप में, तो बुलेट में टैपेट का साउंड आएगा और जो ऑयल का थ्रो है वो भी काफ़ी प्रेशर अच्छा नहीं होगा। सो उस वजह से ऑयल पंप चेंज करना पड़ता है। सो अभी ऊपर की पट्टी निकालने के बाद फिर वो व्हील्स निकाले जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको आगे इसका प्राइस भी बताऊंगा। सो ऑयल पंप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और उसके ऊपर जो व्हील लगता है ऑयल पंप के ऊपर, वो तो 100 रुपये के अंदर आ जाता है। सो मैं आपको एग्जैक्ट रेट आगे वीडियो में बताऊंगा, आप ये वीडियो एंड तक देखिए। सो अभी ये थोड़ा सा सेटिंग करके फिर वो व्हील भी निकाला जाएगा। निकालने के बाद फिर नया ऑयल पंप बिठाने के पहले सबसे पहले तो पेट्रोल से थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे और फिर नया ऑयल पंप बिठाएंगे। सो आपको मैं साइड बाय साइड ऑयल पंप दिखाऊंगा, बिकॉज़ जो नया वाला है और जो ओल्ड वाला है वो, सो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अभी जो नया ऑयल पंप हम बिठाने वाले हैं उसके फ़ायदे क्या है। बिकॉज़ जो ओल्ड ऑयल पंप है वो BS3 वाला ऑयल पंप है, ओके। और अभी ऑब्वियसली ये BS3 बुलेट है, लेकिन हम नए जो BS4 वाला ऑयल पंप है वो हम इस बुलेट में बिठाएंगे, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। सो BS4 वाला ऑयल पंप और भी बेटर है चलने में, एंड प्रॉब्लम्स नहीं देगा आगे जाके। सो ये देखिए, अभी ये ऑयल पंप निकाला जा रहा है। सो जैसे ये स्क्रूज़ निकल जाएंगे ये पूरा ऑयल पंप बाहर आ जाएगा। सो मैं आपको जो ओल्ड वाला ऑयल पंप है वो भी बताऊँगा। और कभी भी आपको अभी टैपेट का साउंड हो, जो जिसका मेन रीज़न हो सकता है ऑयल पंप फॉल्टी हो गया है या ऑयल प्रेशर बराबर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, सो ऑयल पंप रिप्लेस करना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप डिले मत कीजिए, बिकॉज़ क्या होता है जब हम डिले करते हैं तो बाकी दूसरे प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं उस एक चीज़ के वजह से। सो तुरंत आप रिप्लेस कीजिए, आपके नज़दीकी सर्विस सेंटर या आपका जो भी लोकल मैकेनिक होगा जहाँ पे आप आपके बुलेट सर्विसिंग या रिपेयर कराते हैं, जो भी रिलायबल मैकेनिक है उससे चेक करवा के आप तुरंत रिप्लेस कर दीजिए। बिकॉज़ अगर आप उस प्रॉब्लम के साथ कंटिन्यू करेंगे, स्पेशली बुलेट्स के साथ, तो दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम से नई प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये देखिए, ये है ओल्ड ऑयल पंप और ये BS3 का ऑयल पंप है। इसका साइज़ आप देखिए छोटा है, और BS4 वाला जो हम इंस्टॉल करेंगे उस पंप का साइज़ बड़ा है। अब ये देखिए, ये स्लॉट खाली हो चुका है जहाँ पे हम ऑयल पंप बिठाएंगे, और उसके ऊपर का व्हील भी आपने देखा जो निकाला था। सब ये पेट्रोल से थोड़ा सा साफ़ करेंगे और फिर साफ़ करने के बाद हम नया ऑयल पंप इसमें बिठाएंगे। सो ये देखिए, ये नया ऑयल पंप है, फुल पेटी पैक है, ये रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल एक्सेसरी है ये। सो इसकी कॉस्टिंग है अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपीज़। आई एम नॉट श्योर अगर आपको प्राइस टैग दिख रहा है उस पैकेट पे। सो इसका 800 ऑयल पंप का। और ये देखिए, ये है वो व्हील जो ऑयल पंप के ऊपर बैठता है, सो वो भी नया डालना ज़रूरी है। और वो जो व्हील है जिसे पंप ड्राइव पिनियन भी कहते हैं, वो अराउंड 45 रुपीज़ का है, ओके। और ये ऑब्वियसली पैकिंग गैसकेट भी चेंज करना ज़रूरी है। सो ये जो पैकिंग है, ये पैकिंग नया डालना पड़ेगा हमें वो सील करने के लिए जब कवर लगाएंगे तो। सो ये देखिए, सो ये जो सिल्वर कलर में ब्रांड न्यू आप देख रहे हो, ऑब्वियसली एक ऑयल में पूरा लतपत है। सो ये जुना वाला ऑयल पंप है और वो नया वाला। सो देखिए, नए वाले की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है जो BS4 वाला ऑयल पंप हम बिठाने वाले हैं, और ये जुना वाला जो है वो BS3 का ऑयल पंप है। सो ऑब्वियसली अभी ये बिठाने के बाद, और ये देखिए ये व्हील है, ये भी नया हम बिठा रहे हैं। सो ये ऑयल पंप के ऊपर लगता है। सो नया ऑयल पंप बिठाने के बाद, एंड ये BS4 का ऑयल पंप जो है वो, इसका जो ऑयल प्रेशर है वो काफ़ी अच्छा है। ऑयल प्रेशर का इसका जो थ्रो है वो काफ़ी बेटर है पहले वाले से। सो ज़्यादा ऑयल प्रेशर आता है और टैपेट साउंड भी नहीं आएगा, कम हो जाएगा, और
इंजन तुरंत हीट भी नहीं होगी। सो काफ़ी फ़ायदे हैं ये BS4 के ऑयल पंप के। ओके सो अभी देखिए ऑयल पंप फिटिंग हो रहा है, एंड ऑयल पंप फिटिंग होने के बाद फिर इसके ऊपर वो व्हील भी लगाया जाएगा। सो एक बार ये ऑयल पंप फिट और व्हील लगाया जाएगा, उसके बाद बाकी के मैग्नेट और जो पार्ट्स है वो फिट करने के बाद ये कवर बिठाया जाएगा। और ये देखिए ऑयल पंप फिट हो चुका है अच्छे से, अभी इसके ऊपर वो व्हील लगाया जाएगा और फिर बाकी के सब पार्ट्स बिठा के फिर कवर पैकिंग के साथ लगाया जाएगा, एंड देन ऑयल पंप का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। सो ये हार्डली हाफ एन आवर भी नहीं लगता है ऑयल पंप चेंज करने के लिए, एंड बहुत ही इजी है ये। सो अभी ये ऑयल पंप फिट होने के बाद फिर वो गैस जो टैपिट साउंड जैसे बताया, प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। सही, देखिए ऑयल पंप और व्हील लग चुका है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे को मैसेज कीजिए। सो आई विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।